रामसियालकोट.com के लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा आइल्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं हर मॉड्यूल के स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको आइल्स की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज बात करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की। स्पीकिंग मॉड्यूल में यूजली 3 सेट होते हैं जो एग्ज़ामिनर आपको ऑफर करेगा, और आपने अपनी सवाल और जवाब के दौरान अपनी इंग्लिश की इंग्लिश पे आपकी जो भी कमांड है, जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी है, आपने उसको इस्तेमाल करते हुए ये जस्ट जवाब देने हैं। ये जस्ट एक डिस्कशन है बिटवीन एग्ज़ामिनर आपके दरमियान, या उसके सवाल हैं और आपने जवाब देना है। इसका टेक्निकल पॉइंट ये है कि आप जवाब टू दी पॉइंट दें और लिटिल डिटेल के साथ दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि आप किस शहर से हैं, वेयर डू यू फ्रॉम, तो अगर आप सियालकोट से हैं, आप खाली कह दें सियालकोट, दैट इज़ नॉट एनफ आंसर। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट आप करेंगे कि आई एम फ्रॉम सियालकोट, सियालकोट इज़ द सिटी ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स, हब ऑफ द स्पोर्ट्स गुड एंड लेदर गारमेंट्स, मैनुफैक्चरिंग ऑफ लेदर गारमेंट्स, या जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें, तो थोड़ा सा आपने उसको डिटेल में जाना। तो इस तरह से कुछ पहला सेक्शन होगा जिसमें एग्जामिनर सिर्फ अपना तारुफ कराएगा और फिर आपसे आपके बारे में जनरल क्वेश्चन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वट इज़ योर नेम। अगर आपका नाम मोहम्मद अली है, तो अगर आप सिर्फ उसको ये कहेंगे कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट आंसर है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि मेरा नाम मोहम्मद अली है लेकिन मुझे प्यार से खाली अली कहते हैं, तो ये एक तरह से थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा आपके जवाब में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो अगर आपका आंसर होगा कि सियालकोट, दैट इज़ नॉट एनफ गुड आंसर, तो आप उसको लाजमी थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल में जाएंगे कि आई बॉर्न इन सियालकोट, आई ग्रू अप इन सियालकोट, माई मोहल्ला वॉज अ वाटर वर्क्स मोहल्ला, इट वॉज सेंट्रल ऑफ द सिटी, एंड सियालकोट इज़ अ सिटी ऑफ वट एवर द पॉपुलेशन इज, यानी जो भी कुछ आप ऐड करना चाहें, तो आपने कुछ चंद एक जुमले उसमें इन एडिशन करने हैं। फिर उसके बाद आपके पास अदर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वो आपको कोई आपकी हॉबीज़ पूछ लेते हैं, आप किस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसमें भी आपको चंद एक जुमले कहने होंगे। वो आपसे कुछ बेस्ट फूड का पूछ सकते हैं या आपकी पसंदीदा फूड का पूछ सकते हैं, तो उसमें भी आपने अपने चंद एक जुमले ऐड करने हैं कि अगर आपको ये फूड पसंद है तो क्यों पसंद है। तो इस तरह से ना आपका इंटरेक्शन जो एग्ज़ामिनर के साथ होगा, वो उससे ही आपकी जो है तमाम तर पिक करेगा कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, और आप थोड़ा सा बोलने में भी आपको, अगर जैसे आपके पास आते हैं बोलते हुए इंग्लिश, जब आपकी इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं हो, तो आप ऊँ आ करते हैं यानी ब्रेक करते हैं उसमें से, तो उससे आपके जो है ना ग्रेडिंग में फ़र्क आता है। तो जितना फ्लुएंट आप बोल सकें, जितना लिटिल डिटेल के साथ बोल सकें, यह आपको बेटर मार्क्स देगा। इसके साथ साथ आपने आपको ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि एग्ज़ामिनर आपको पेन एंड पेपर दे दे और वो कहे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने इसके जवाब इस पेपर पे लिख कर देने हैं। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपके एजुकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसा जैसा अगर वो 4 या 5 क्वेश्चन अमूमन होंगे, एक लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन, तो आपने उसको अपने हिसाब से जो है वो पहले आपने समझना है क्या पूछा जा रहा है, फिर उसको उसके मुताबिक जवाब देना है। तो ये मोस्टली होता है लिसनिंग मॉड्यूल में, और जो 3 सेक्शन होंगे उनके कंबाइन मिला के फिर आपका स्कोर बनेगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा, और उसमें आपने
देखना है कि क्या ट्रिक है, क्या कौन सी जगह आम आदमी गलती कर जाता है, तो वो उसको आप देख लें। इन सारे मॉड्यूल्स की ये मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा उनका स्टाइल बता रहा हूँ, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ईच मॉड्यूल की कुछ 10, 20, 50 टाइम, तो आपके जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल इस काबिल होगा कि आप कहेंगे कि मैं जाके 7 बैंड या 8 बैंड ले सकूं। तो चलो अब यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करूँगा। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।